आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मुकाबले पर जो कि खेला जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म RC क्रिकेट गो पर। यहां पर सेलेक्ट करेंगे दोनों टीमें, एक तरफ है इंटरनेशनल टीम इंडिया और दूसरी तरफ इंटरनेशनल टीम न्यूजीलैंड करेंगे, और आगे आपको सीधे ले चलेंगे फील्ड पर दोनों कैप्टन्स के टॉस के लिए। यहाँ पर टीम इंडिया के प्लेइंग 11 सेट करते हुए विराट कोहली, और यहाँ पर रोहित शर्मा को अंदर किया है अपनी प्लेइंग 11 में। आपको सीधे लिए चलते हैं टॉस के लिए। यहाँ पर हेड कॉल थी और न्यूजीलैंड हैज वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। देखते हैं पहला ओवर लेकर किसे भेजेंगे टीम इंडिया के कैप्टन। यहाँ पर पहला ओवर लेकर आ रहे हैं मोहम्मद शमी, और न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स क्रिस पर मौजूद। पहली बॉल मोहम्मद शमी की मार्टिन गप्टिल के लिए। काफ़ी दिनों बाद मोहम्मद शमी की वापसी हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पहली बॉल पर उठाकर खेला एक हवाई फायर और यहां पर 6 रन पहली ही बॉल पर मार्टिन गप्टिल के द्वारा। आते ही हवाई शॉट खेला मार्टिन गप्टिल ने और सफल भी हुए इस हवाई फायर पे, बहुत ही बढ़िया शॉट। अगली बॉल मोहम्मद शमी की, ये बढ़िया प्लेस मार्टिन गप्टिल का, और सिर्फ मिलेंगे सिर्फ 1 रन। अभी स्ट्राइक में है कॉलिन मुनरो, अपनी स्ट्राइक चेंज अपनी साइड चेंज करी मोहम्मद शमी ने। देखते हैं कॉलिन मुनरो किस अंदाज में आज बैटिंग करेंगे। मोहम्मद शमी की काफ़ी दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पर वापसी की गई है, ये एक बढ़िया मौका है मोहम्मद शमी के लिए भरपूर फ़ायदा उठाने का और टीम में अपनी जगह पक्की करने का। देखते हैं क्या इसका फ़ायदा उठा पाएंगे मोहम्मद शमी। अगली बॉल, ये बढ़िया प्लेस, एक अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद शमी। 4 बॉलों में अभी तक सिर्फ 7 रन दिए हैं। ये बढ़िया शॉट, एक बढ़िया बाउंड्री कॉलिन मुनरो की, बढ़िया रिवर्स स्विप खेला, अपनी बॉडी को पूरी तरह बैलेंस किया। ये देखिए बढ़िया रिवर्स स्विप, कोई फील्डर मौजूद नहीं, पहले ही उन्होंने देख लिया था इस दिशा में कोई फील्डर नहीं, मन बनाया था शॉट खेलने का और सफल भी हुए कॉलिन मुनरो। 5 बॉलों पर ही 11 रन खर्च कर दिए हैं मोहम्मद शमी ने, और ये लास्ट बॉल इस ओवर की, और ये बढ़िया प्लेस, एक अच्छी बॉलिंग करी मोहम्मद शमी ने, सिर्फ कुछ ही बॉल पर रन दिए, जिन बॉलों पर स्विंग ज़्यादा था वो बॉल टच नहीं कर पाए न्यूजीलैंड के बैट्समैन। ये एक बढ़िया बॉल मोहम्मद शमी की, 4 बॉलों पर 4 रन बनाए कॉलिन मुनरो ने, वहीं 2 बॉल पर 7 रन बनाए मार्टिन गप्टिल ने। एक अच्छी बैटिंग मार्टिन गप्टिल के द्वारा। यहां पर भरपूर क्षमता है न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में, कोई भी प्लेयर कभी भी मैच पलट सकता है। केन विलियमसन, रॉस टेलर, टॉम लाथम, एक लंबा बैटिंग लाइनअप दिखता है न्यूजीलैंड की तरफ। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, नवदीप सैनी, कुछ ही बॉलिंग विकल्प हैं। इसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये विकल्प, ये बैट्समैन हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही बॉलिंग कर सकते हैं। अगला ओवर लेकर आए हैं जसप्रीत बुमराह, यहाँ पर फील्ड में चेंज करते हुए कैप्टन विराट कोहली। देखते हैं जसप्रीत बुमराह क्या रन रोक पाएंगे न्यूजीलैंड के बैट्समैन के। एक अच्छी लय में हैं आज मार्टिन गप्टिल, 7 रन बना दिए हैं 2 बॉल पर, और ये पहली बॉल जसप्रीत बुमराह की उठाकर खेला, कोई फील्डर नहीं, और यहाँ पर मिलेंगे 1 रन, फील्डर पीछे मौजूद था। और फिर से एक बार कॉलिन मुनरो स्ट्राइक में, अभी तक सिर्फ 4 रन बनाए हैं कॉलिन मुनरो ने, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया था मोहम्मद शमी के खिलाफ, कमाल कर रिवर्स से, और ये उठाकर खेल दिए एक हवाई फायर कॉलिन मुनरो के द्वारा, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, एम्पायर का इशारा, 6 रन। ये एक बढ़िया शॉट था कॉलिन मुनरो का,
सीधे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट, ऑफ साइड पर बॉल गई थी बेहद दूर। ऐसी बॉलिंग की हम उम्मीद नहीं करेंगे जसप्रीत बुमराह से, एक अच्छे बॉलर हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार की कमी जरूर खलेगी टीम इंडिया को। ये एक अच्छी बॉलिंग जसप्रीत बुमराह की, एक अच्छा लाइन और लेंथ। अगली बॉल बुमराह की कॉलिन मुनरो के लिए, एक बढ़िया प्लेस, एक अच्छी वापसी करी है जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में। दूसरी बॉल पर जरूर सिक्स मारा था कॉलिन मुनरो ने, लेकिन इसके बाद बंद कर रखा। और ये फिर एक और हवाई फायर लीजिए कॉलिन मुनरो द्वारा, ये एक बड़ा शॉट, सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, एकदम सीधे बल्ले से खेला शॉट, लेकिन बॉल बेहद दूर गई। ये एक बढ़िया बात कॉलिन मुनरो की, सीधे बल्ले से खेलते हैं। ये देखिए बॉल काफ़ी ज़्यादा दूर गई थी। इसी के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 24 रन। अगर इस बॉल पर भी एक बाउंड्री पड़ती है तो इंडिया को जीतना मुश्किल हो सकता है। ये एक हवाई फायर और बॉल गई सीधा बाउंड्री के बाहर, एक बड़ा स्कोर तैयार कर दिया है न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने, खासतौर पर कॉलिन मुनरो ने। 9 बॉल्स पर ही 22 रन का पहाड़ जैसा टारगेट तैयार किया अकेले दम पर। और दूसरे छोर से 3 बॉल पर 1 रन बनाए अब मार्टिन गप्टिल ने, और एक भी विकेट नहीं दिए इन 2 ओवर में। जसप्रीत बुमराह से हमें ऐसी बॉलिंग की उम्मीद नहीं थी, उन्होंने 1 ओवर में ही 19 रन लुटा दिए। रोहित शर्मा शिखर धवन दोनों क्रीज पर आ चुके हैं और पहला ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट। देखते हैं क्या रोहित शर्मा अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। पहली बॉल रोहित शर्मा को और टीम इंडिया को मैक्सिमम, आते ही एक बड़ा शॉट, इसी की ज़रूरत है टीम इंडिया को, ऐसे ही बैटिंग करनी होगी। आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए रोहित शर्मा ने, इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड को ये मैच जीत पाना। रोहित शर्मा अकेले अपने दम पर भी इंडिया को ये मैच जिता सकते हैं। ये दूसरी बॉल ट्रेंट बोल्ट की, उठा कर खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से मिस हुए रोहित शर्मा। बड़े शॉट की तलाश में है रोहित। अगली बॉल ट्रेंट बोल्ट की, ये बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे रोहित, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव उन पर में साफ नज़र आता हुआ। बॉल ज़्यादा दूर नहीं गई, इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई। यहाँ पर 2 रन ले लिए, स्ट्राइक बस रोटेट नहीं की, और इसी के साथ टीम इंडिया 8 रन। फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार कैच आउट, इस बार सफल नहीं हुए रोहित शर्मा। और अब पवेलियन रवाना कर दिया रोहित शर्मा को ट्रेंट बोल्ट ने, एक बढ़िया कैच मिचेल सैंटर द्वारा। नए बैट्समैन आए हैं विराट कोहली जो कि टीम इंडिया के कैप्टन भी है, और अब स्ट्राइक में है शिखर धवन। ये एक बढ़िया वाई फायर और यहाँ मिलेंगे 6 रन। आते ही काम शुरू कर दिया शिखर धवन ने, एक बड़ा शॉट खेला, स्ट्राइक चेंज करी है, नहीं यहाँ साइड चेंज करी है ट्रेंट बोल्ट ने। अगली बॉल शिखर धवन के लिए, और फिर से हवाई फायर खेलने की कोशिश, लेकिन बॉल हवा में और नीचे फील्डर मौजूद, और यहाँ कैच आउट। शिखर धवन को भी पवेलियन रवाना करवाया ट्रेंट बोल्ट ने, और एक अच्छी फील्डिंग मिचेल सैंटर द्वारा, 2 कैच पकड़े बड़े बैट्समैन के। और यहाँ पर स्ट्राइक में विराट कोहली, देखते हैं कि अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। और ये हवाई फायर पहली बॉल पर 6 रन, तीनों बैट्समैन की खास बात, इन्होंने 6 के साथ ही अपना खाता खोला आज के इस मैच में। यहाँ से मात्र 11 रन दूर है टीम इंडिया अपने जीत से, क्या रोक पाएंगे न्यूजीलैंड के बॉलर्स। तो दूसरी बॉल मिस हुए विराट कोहली, कहीं ना कहीं दबाव विराट कोहली पर, देखते हैं कि अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे।
ये एक बड़ा शॉट फुल टॉस बॉल और बॉल फिर से गई हवा में और बॉल सीधा दर्शकों के पास। इसी के साथ 6 रन विराट कोहली के लिए भी, टीम इंडिया के लिए भी। एक बढ़िया बैटिंग विराट कोहली की, कप्तानी पारी की तरफ विराट। 3 बॉलों पर यहाँ चाहिए हैं 5 रन टीम इंडिया को। ये मिस हुए, ये एक बढ़िया बॉल एम हेनरी की। देखते हैं अगली बॉल में क्या करेंगे विराट कोहली। और यहाँ बैक फुट शॉट खेल दिया, बैक फुट में जाकर बैट घुमाया और मिले हैं मैक्सिमम। इसी के साथ टीम इंडिया की जीत दर्ज हुई इस मैच में। इंडिया 1/8 विकेट्स। यहाँ पर एक कप्तानी पारी खेली विराट कोहली ने, 5 बॉल पर ही मात्र 18 रन बना दिए हैं। मात्र 5 बॉल पर 18 रनों की धुआंधार पारी खेली विराट कोहली ने। रोहित शर्मा ने 4 बॉलों पर 8 रन बनाए और वहीं से शिखर धवन ने 2 बॉलों पर 6 रन बनाकर पवेलियन रवाना हो गए थे। ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए इस मैच में, जो कि काफ़ी अहम। रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे बड़े बल्लेबाजों के ये 2 विकेट थे। श्रेयस अय्यर को एक भी बॉल खेलने का कोई मौका नहीं मिला। मोहम्मद शमी ने भी एक अच्छी बॉलिंग करी, 1 ओवर में 11 रन खर्च किए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर में 19 रन लुटा दिए। ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए थे टीम इंडिया को, लेकिन जीत से दूर नहीं रख सके और विराट कोहली ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। लाइक एंड शेयर और वीडियो।